आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए टकैप। नरिंदा जाकर के पैसा के बेचता है वो हत्यारा पैसा के बल पे नौकरी देता है। आप लोग सेवा करते हो ना? अरे आप लोग सेवा करते हो ना? वो दरिंदा है बैठा हुआ हुआ, वो दरिंदा है, वो दरिंदा को हम छोड़ेंगे नहीं, वो दरिंदा को छोड़ेंगे नहीं। हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है। हमें रोजगार नहीं मिल रहा, वो हत्यारा है। ये तस्वीर है सरकार के फेलियर की, सिस्टम के इग्नोरेंस की। रोजगार के लिए तड़प रहे हजारों युवाओं की वो तड़प जो सरकार तक नहीं पहुंच रही, वो तड़प जिससे आज ये शख्स इस कदर परेशान हो गया कि वो आत्मदाह करने की कोशिश में लगा है, पर पुलिस सही समय पर पहुंचकर इस शख्स की जान बचा ली। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये सामाजिक मापदंडों के खिलाफ है, पर इस युवा की गलती यही है कि इसने तैयारी की उस परीक्षा की जिसका ना डेट आता है ना ही रिजल्ट का कोई पता होता। पटना की सड़कों पर आत्मदाह की कोशिश करता ये शख्स परेशान है, हारा हुआ महसूस कर रहा है। दरिंदा जाकर के पैसा के बेचता है वो हत्यारा पैसा के बल पे नौकरी देता है। आप लोग सेवा करते हो ना? अरे आप लोग सेवा करते हो ना? वो दरिंदा है बैठा हुआ हुआ, वो दरिंदा है, वो दरिंदा को हम छोड़ेंगे नहीं, वो दरिंदा को छोड़ेंगे नहीं। हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, पुलिस के खिलाफ नहीं है मेरे भाई, पुलिस के खिलाफ नहीं है हम उस दरिंदे के खिलाफ है। आप भी गरीब के बेटे हो, हम भी गरीब के बेटे हैं। पुलिस के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं एसपी के खिलाफ नहीं हूँ। शिक्षा मंत्री को आपने लेटर पे लिखकर दिया था या नहीं? शिक्षा मंत्री को बहुत बार मिला, शिक्षा मंत्री वो कभी बोलता नहीं है। वो हैवान आदमी है, वो दरिंदा है, वो हत्यारा है, वो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है। तीन साल से प्रशासन से दरख्वास्त है कि इनके मुंह, इनका मुंह कम से कम धुला दिया जाए। अभी पुलिस के खिलाफ मैं नहीं हूँ भाई, पुलिस कब तक सहेंगे? अब जब मरने के लिए हम लोग करते रहिए, आप मरेंगे। सुन रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये हैं आपकी सरकार के बेरोजगार, बेरोजगारी जिससे सरकार की फेलियर का पता चलता है। दरअसल पिछले कई दिनों से एसटीईटी अभ्यर्थी पटना में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन आज ये अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अचानक पहुंच गए और वहां अपनी शरीर पर पेट्रोल छिड़कने लगा, और जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने इस शख्स को आत्मदाह करने से रोका और सचिवालय थाना पुलिस एसटीईटी अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर थाने चली गई। इन सबके इतर हम आंकड़े की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पहली बार 2020 में बेरोजगारों के बीच आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या देखी गई, जिसमें पहली बार 3000 का आंकड़ा पार किया था। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3548 लोगों की आत्महत्या से मौत हुई है। साथ ही राज्यसभा को सूचित करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 और 2020 के बीच 16000 से अधिक लोगों ने दिवालियापन या ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या की है, जबकि 9140 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्मदाह कर लिया। उस साल जिस साल देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था और बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान और आर्थिक मंदी की सूचना मिली थी। अब सवाल ये है कि सरकार क्या बस मुआवजा देकर रह जाएगी या इन बेरोजगारों की कभी सुनेगी भी और भर्तियां भी निकालेगी। साथ ही सवाल ये भी है कि बिहार बेरोजगारी का पर्याय क्यों है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन क्यों होता है, यहाँ के लोगों के लिए सरकारी नौकरी जिंदगी और मौत का सवाल क्यों बन गई है, रोजगार जैसा महत्वपूर्ण विषय राज्य की राजनीति में केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन पा रहा, एसडीएम पद के लिए एक इच्छुक व्यक्ति ग्रेड 4 की नौकरियों के लिए आवेदन क्यों करता है, ये ऐसे सवाल है जो बिहार का हर युवा जानना चाहता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।